गाड़ी स्टार्ट करते हैं। Conference will now be recorded. चलिए, जैसा कि आप सबको मैंने वो किया था, वो प्रॉमिस किया था कि हमारा एक टॉपिक गलती से माइंड से स्किप हो गया था, जिसको हमको पहले ही कर लेना था। दैट वाज द सिस्मिक एनालिसिस। कहां से छूट गया मुझे भी नहीं पता, हो जाता कभी कभी। यह है सेस्मिक एनालिसिस गाइस। तो आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, सेस्मिक एनालिसिस। क्यों, इसके बिना आगे नहीं जाना चाहिए, ये सबसे कंपलसरी एनालिसिस है, ठीक है। और अभी अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अभी हर एक बिल्डिंग का सेस्मिक एनालिसिस कंपलसरी हो गया है, ठीक है। अभी हर एक बिल्डिंग का सेस्मिक एनालिसिस कंपलसरी हो गया है। अब सोचो जो चीज कंपलसरी हो गया हो तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और विंड एनालिसिस नहीं करोगे चलेगा, बट सेस्मिक एनालिसिस नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो भी सेस्मिक कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं सेस्मिक का क्या फंडा है, कैसे कैसे चलना है। सिंस अर्थक्वेक फोर्स आर रेंडम इन नेचर, डेली थोड़ी आता है सेस्मिक। अभी आपने देखा पीछे कल या परसों में, कुछ दिन 2 दिन पहले पटना में झटके पड़े कुछ अर्थक्वेक के, आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक के कुछ झटके पटना में भी आए हैं, और क्या बोलते हैं, लगभग 1-1.5 हफ्ते 15 दिन हो गया, 15 दिन पहले जापान में आपको पता है कि बहुत तबाही हुई, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनप्रेडिक्टेबल है ना, कभी भी आ सकता है। द स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हैज बिकम द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सिविल इंजीनियर्स। अगर अर्थक्वेक नहीं होता ना तो हम बहुत ही आराम से कम पैसे में अच्छी बिल्डिंग बना सकते थे, कम पैसे में अच्छी बिल्डिंग बना सकते। क्यों, सीधी सीधी बात है, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लगेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं लगेंगे तो फिर आपको क्या टेंशन है, कैसे भी बस किसी तरीके से स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया। अर्थक्वेक क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ना ये। सपोज आपको अभी आपने एक पेन लिया, ठीक है, पेन जो जिससे लिखते हो, आप लोगों ने बचपन बहुत खेले होंगे, पेन को ऐसे डेस्क पे ऐसे रखा होगा, नॉर्मल ऐसे खड़ा किया होगा पेन को, कि ऐसे बैलेंस किया होगा, ठीक है। वो पेन है क्या, बिल्डिंग है। अब वो तब तक नहीं गिरती है जब तक आप उसको फूंकते नहीं हो या फिर हवा में उसको ऐसे इधर उधर नहीं करते हो, तो क्या है कि पेन आपका आराम से ऐसे खड़ा हो जाता है आपके डेस्क पे। सेम यहाँ पर बिल्डिंग के साथ है, बिल्डिंग में अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा तो किसी भी तरीके से तुम बना दोगे, 9 इंचेस का भी कॉलम ले लोगे, 5 फ्लोर भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओगे, ठीक है। लेकिन बात वही होती है कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है तो सबका बैंड बजा देता है। द मेन पैरामीटर ऑफ द सेस्मिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर आर लोड कैरिंग कैपेसिटी। सेस्मिक का पहला फोकस किस चीज पर होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। जो लोड आ रहा है उसको उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, केयर कर पाओगे कि नहीं उसको, आपने बोला कर लेंगे, चलिए। दूसरा उसका फोकस होता है डक्टिलिटी पे, डक्टिलिटी। कहते हैं ना यार ये बंदा ना बहुत ही डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल है। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशन में जाके फिर सिचुएशन से बाहर आ जाओ, सिचुएशन में जाके सिचुएशन से बाहर आ जाओ विदाउट फेल्योर्स, ठीक है। मतलब अर्थक्वेक का फोर्स आया, आप डक्टाइल हो, ठीक है। जैसे डक्टाइल को दूसरे वर्ड में अगर बोला जाता है, जैसे कि अपनी बॉडी है, ठीक है, कुछ लोग की बॉडी जो मार्शल आर्ट वगैरह सीखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है, मतलब उनके अंदर स्टिफनेस, यहाँ जो दूसरा टर्म है स्टिफनेस, स्टिफनेस को हिंदी में बोलते हैं कठोर, कठोरता। आप स्ट्रॉन्ग भी बहुत हो, कठोर भी हो, हार्ड भी हो, हाँ, और साथ ही साथ डक्टाइल भी हो, ये दोनों टर्म सबके बॉडी में नहीं मिलेगा, ठीक है, और सभी बिल्डिंग में नहीं मिलता है, ठीक है। अब बोलोगे सर मतलब ये कि आप देख लो, या तो आप बहुत स्ट्रांग होंगे या फिर आप बहुत फ्लेक्स डक्टाइल होंगे, कि मतलब आप डक्टाइल होंगे, लेकिन दोनों फीचर मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों, उसके लिए एक तो मेंबर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उतना कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ता है, डक्टिलिटी को भी बैलेंस करो, स्टिफनेस को भी करो। अब इन दोनों का तो ठीक है, इसके साथ जब प्रायोरिटी आ जाती है डैम्पिंग का, मतलब वाइब्रेशन को भी झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वाइब्रेशन को भी झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, इसके बाद मास में भी कंट्रोलिंग चाहिए, मास में भी कंट्रोलिंग चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा अपने बॉडी के फिटनेस पे काम किया होगा, जिनका वेट भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल भी होंगे, जिस तरीके से बाबा रामदेव को फेल करके योगा भी कर सके, ठीक है, बहुत रेयर लोग होंगे,
बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होंगे, मतलब आप कोई भी तरीके का एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी कैरिंग कैपेसिटी होगी, आप कुछ भी 90 kg या फिर 100 kg, 150 kg आप लोड भी उठा सके, ठीक है, और आपका मास भी कंट्रोल हो और काफी ज्यादा आपके अंदर स्टिफनेस भी हो, मतलब आप काफी हार्ड भी हैं, ऐसे नहीं कि जस्ट इधर उधर के, हार्ड भी है, और साथ ही साथ डैम्पिंग वाइब्रेशन झेलने की कैपेसिटी, ठीक है, अगर वाइब को वाइब्रेट किया जाए झन 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 करके, तो वो भी आपके अंदर कैपेसिटी हो कि नहीं, इतना हल्का वाइब्रेशन से हमको कुछ नहीं, इतना ज्यादा बॉडी में सारी फंक्शन ले आना रेयर है, आप सबको पता है, ठीक है, ऐसे ही बिल्डिंग में भी लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पे फोकस करना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है डक्टिलिटी पे, स्टिफनेस पे, सब पे फोकस करना पड़ता है। चलिए, इन IS 1893-2002 इज यूज टू कैरी आउट द सेस्मिक एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, क्या IS 1893-2002 इज यूज टू कैरी आउट द सेस्मिक एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इसके थ्रू अभी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं, लेकिन अभी इसका लेटेस्ट कोड भी आ गया है, कौन सा, 2016, ये कोड, ये थोड़ा पीपीटी पुरानी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये है। अब सेस्मिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, सेस्मिक एनालिसिस, द सेस्मिक एनालिसिस टाइप दैट शुड बी यूज्ड टू द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, अब सीधी सीधी बात है कि आप कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो तो किस देखोगे ना कि किस चीज के बेसिस पे है, मतलब आपको किसी से फाइट करना है, क्यों फाइट करना है, ठीक है, ऐसे आप मतलब जाओगे किसी से फाइट करने लगोगे, गलत बात, तो पहले क्या देखना चाहिए, वहां देखना चाहिए एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है, आप देखो कितने लोग आपको मारने के लिए आए हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है, वो आपसे बात कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल ढंग से बात कर रहे हैं तो आप फाइट तो करोगे नहीं, सेम बिल्डिंग के साथ है, आप देखो कि बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मटेरियल, किस तरीके के मटेरियल यूज हो रहा है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल सेलेक्टेड, ठीक है, हम किस तरीके से उनसे व्यवहार करना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर मॉडल कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी देखना होता है, आपका स्टील स्ट्रक्चर हो सकता है, RCC स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, प्लस बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है, वो भी आपको देखना है, ठीक है, और उसके साथ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से कितने फोर्स आ रही है, ये भी देखना है, इन तीनों को आपको फोकस करना होता है। इसके बाद जब आपने देख लिया कि ये सब ऐसे नॉर्मल नॉर्मल है, अब पता चला कि ये बहुत नॉर्मल है, और आपने खली, द ग्रेट खली, आपने खली को बुला लिया इनको मारने के लिए, क्या है, खली की भी इंसर्ट है ना, अगर 50 kg के बंदे को खली के सामने तुम लेके आए तो फिर खली की इंसर्ट हो गई फालतू की ना, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है पर कौन सी एनालिसिस सुटेबल रहेगी, ठीक है, आपका द डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस प्रोसीजर्स हैं अलग अलग, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, नॉन लीनियर डायनेमिक एनालिसिस, नॉन लीनियर डायनेमिक एनालिसिस, नॉन लीनियर डायनेमिक एनालिसिस होते हैं, पोस्ट कोवेरिएंट एनालिसिस होता है, जो हाई राइज स्ट्रक्चर होते हैं उन सब में सब चेक करते हैं, जो जनरल स्ट्रक्चर में आपका G+5, G+6, G+7, G+8, उन सब के लिए मैक्सिमम आपको मिलेगा लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, क्या मिलेगा, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, यही करना होता है और अभी हम लोग यही करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा रूल डिस्कस करते हैं, क्या होता है लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, आपको इस डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा, बट मेरा काम है बोलना तो मैं बोल देता हूँ, ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट स्टैटिक मैथड, क्या, ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट स्टैटिक मैथड, ओके, स्टेप्स, क्या क्या चीजें आपको मतलब आपको ऐसे जस्ट गए और तुरंत ही सेस्मिक एनालिसिस कर दोगे क्या, नहीं, पहले तो फर्स्ट फर्स्ट द डिजाइन बेस ईयर इज कंप्यूटेड फॉर द होल बिल्डिंग, ठीक है, पहले बेस ईयर देखो कि कितना बेस ईयर आ रहा है, बेस पर सीयर क्या आ रहा है, अभी सॉफ्टवेयर भी बेस ईयर निकाल कर देगा आपको, इट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग के हाइट के रिस्पेक्ट में जितनी जल्दी हाइट, जितनी हाइट बढ़ेगी आपके नीचे के कॉलम्स पे आपका बेस ईयर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी करके कैसे बेस ईयर बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद द लैटरल फोर्स एट ईच फ्लोर्स लेवल्स द सॉफ्ट एंड द आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल लैटरल लोड्स रेजिस्टिंग एलिमेंट, जैसे जैसे आप फ्लोर्स पे जाओगे हर फ्लोर की अपनी अलग कैपेसिटी होगी, हर फ्लोर एक सेम पावर में नहीं रहेगा, ठीक है, आपका पैर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जरूरी नहीं कि उतना ही स्ट्रांग आपका पेट भी हो, ठीक
ठीक है, आप एक बार पैर पे मार के देखो, फिर एक बार पेट पे मार के देखो, अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपका पैर जो है ज्यादा एक्सियल लोड हमेशा बेयर करता है, वो स्ट्रांग रहता है, ठीक है, और उस पर दूसरे फोर्सेस कम आ रहे हैं, मतलब उसमें केवल हड्डियां हैं बस, उसमें स्टील का परसेंटेज ज्यादा है, बट पेट में कंक्रीट का परसेंटेज ज्यादा है। क्यों? उसके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पेट में क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आप यहाँ पर लेटरल फोर्स जो है वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे बढ़ता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। लिमिटेशंस भाई, लीनियर डायनेमिक, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस है? द यूज ऑफ दिस मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कहाँ पे इसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, जैसे कि मैं इंसान हूं तो मेरी भी लिमिटेशंस है। अब आप बोलोगे कि 200 मीटर ऊपर से हाइट से मैं कूद जाऊं, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही बिल्डिंग के साथ भी है, कहाँ कहाँ पे लीनियर स्टैटिक एनालिसिस लग सकता है, हाई सिस्मिक जोन एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, वहां पर ये काम नहीं कर पाता है। एक कहता है हाई सिस्मिक जोन मतलब जोन 4 जोन 5 पर हो और हाइट बहुत ज्यादा है, नमस्ते भैया, इतना हमसे हमारी कैपेसिटी नहीं है, मना कर देता है। बिल्डिंग हैविंग हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देन द फंडामेंटल मोड्स, बिल्डिंग्स हैविंग हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देन द फंडामेंटल मोड्स। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है फंडामेंटल मोड्स बढ़ते लगते हैं और वाइब्रेशन आपके बिल्डिंग की बढ़ने लगती है, वाइब्रेशन होती है आपके बिल्डिंग की बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी, ये कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता है, ये कैपेसिटी तक ही जा पाता है। फंडामेंटल मोड्स ज्यादा बढ़े, जैसे डायनेमिक में 20-25 मोड्स बढ़ जाते हैं, वो चीजें इसके अंदर नहीं पॉसिबल होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर हैविंग सिग्निफिकेंट डिसकंटिन्यूटीज इन मास एंड स्टिफनेस अलोंग द हाइट, क्या मतलब है? वो कह रहा है स्ट्रक्चर हैविंग सिग्निफिकेंट डिसकंटिन्यूटीज इन मास, मतलब बार बार आपका जो मास है बिल्डिंग का चेंज हो रहा है, ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ और है, उसके ऊपर कुछ और है, उसके ऊपर कुछ और है, उसके ऊपर कुछ और है, बार बार मास में वेरिएशंस आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्टिफनेस, नीचे वाले फ्लोर बहुत स्ट्रांग है, ऊपर वाला फ्लोर उससे कम, उससे ज्यादा ऊपर वाला और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उसके नीचे वाला और ऐसे, मतलब कॉमन नहीं जा रहा है स्टिफनेस। तो कहता है भाई तब मेरे से नहीं हो सकता है, तब मेरे से नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, आपने एक कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, वो थम्सअप या जो भी डी वगैरह जो पीते हो आप, ठीक है, जो 10 रुपए की बोतल में आती है, पता नहीं 10 की आती है 5 की आती है, मुझे प्राइस नहीं पता है, बट जो भी आता है अप्रोक्स 10 रुपए का शायद आता होगा। तो वो जो 10 रुपए का आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है, ठीक है, जिसके लिए आप उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका कैप खोलने के लिए आप क्या करते हो, एक वो लेते हो ना उसका कैप खोलने वाला की रहता है, उस की को लगा के फिर खींचते हो, तब उसका ढक्कन खुलता है, राइट। तो क्या है वो, ये है कि उसका जो स्टिफनेस है वो ऊपर जो ढक्कन है उसी पे बहुत ज्यादा है, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उस खुलता नहीं है। अगर हाथ से खोलोगे तो नहीं खुलेगा, वहां पर फंडामेंटल मोड्स काम नहीं करता। लेकिन फंडामेंटल मोड काम करता है कहाँ पर, जो आप 50 रुपए का 1 लीटर या 2 लीटर जो भी हमारा बॉटल आता है कोल्ड ड्रिंक का, उसको जब खोलते हो वहां पे फंडामेंटल मोड काम कर जाता है। कैसे? घुमाते हो खुल जाता है, घुमाते हो खुल जाता है। तो क्या हो गया, फंडामेंटल मोड बढ़ाया, ढक्कन खुल गया, मतलब वहां पॉसिबल है। बट जैसे मैंने बोला, कोल्ड ड्रिंक जो 10 रुपए वाली बॉटल होती है, उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है स्टील का जो रहता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो क्या है, स्टिफनेस उसका अलग है ना, हार्ड मतलब स्टिफनेस, ठीक है, उसकी स्टिफनेस अलग है। और जब ये स्टिफनेस अलग है तो सीधी सीधी बात है कि वो नहीं खुल पाएगा, तो वहां पर लीनियर स्टैटिक एनालिसिस काम नहीं करता है। चलिए जी, बात करते हैं डिजाइन सेस्मिक बेस सीयर, बीबी। ये बीबी होता क्या है, बीबी होता क्या है? तो बीबी जो है ये मल्टीप्लायर है किसका, AH × W, ठीक है, AH × W करोगे तो आपको बीबी मिल जाएगा। होता क्या है, द टोटल डिजाइन लेटरल फोर्स और डिजाइन सेस्मिक बेस सीयर बीबी अलोंग द एनी प्रिंसिपल डायरेक्शन शैल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको बेस सीयर मिल जाएगा। अच्छा, ये बेस सीयर के लिए जो एच और डब्ल्यू होता है, ये होता क्या है? तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू तो सीधे समझ में आ रहा है, डब्ल्यू मतलब वेट, 100% सही बोल रहे हो, बट एच क्या है? तो एच है डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम वैल्यू एज पर 6.4.2 यूजिंग फंडामेंटल नेचुरल पीरियड TA। तो ये क्या होता है एच, थोड़ा और डीप में समझते हैं, आओ उसके बगल में चलते हैं। हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोफिशियंट एच, एच होता है
जेड आई बाई टू आर इंटू एस ए बाई जी, जेड आई बाई टू आर इंटू एस ए बाई जी। अब बोलोगे सर ये जेड आई क्या होता है, जेड मतलब जोन होता है, आपने सुना होगा सेस्मिक जोन, राइट। आपका सेस्मिक जोन किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, करेक्ट। तो सभी जोन का अलग अलग फैक्टर होता है, जैसे कि जोन 2 का कितना फैक्टर होता है 0.10, जोन 3 का कितना होता है 0.16, जोन 4 का कितना होता है 0.24, और जोन 5 का कितना होता है 0.36, करेक्ट। तो वहां से क्या आता है आपको जेड आ जाता है। अब आई क्या है यार, आई मतलब होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर, क्या होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। अगर अगर सपोज आप डब्ल्यू डब्ल्यू ई में जाना चाहते हो, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू ई में जाना चाहते हो, और एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक डब्ल्यू डब्ल्यू ई में आप जाना चाहते हो और एक नॉर्मल इंसान है, क्या दोनों की डाइट सेम रखनी चाहिए, क्या दोनों की डाइट सेम रखनी चाहिए? अगर नॉर्मल इंसान 3 रोटी खा के अपना पेट भर लेता है तो क्या उतना ही डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाले बंदे को खाना चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर, वो कम, उसको ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उसको वैसा काम करना है और हमें नॉर्मल काम करना था, हमें नॉर्मल फूड लगेगा, करेक्ट। तो फिर जो हैवी बिल्डिंग्स हैं, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल की बिल्डिंग है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पावर चाहिए, वहां का मटेरियल और आपके घर में जो बिल्डिंग बनने वाला है उसका मटेरियल क्या सेम रखना चाहिए? आप हाँ बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि जो घर की बिल्डिंग है उस पर कितने लोग होंगे, 10 लोग, 5 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। घर के जो घर होगा आपका, बिल्डिंग होगा, आप बोलोगे यस। तो जब 20 लोग हैं तो उसके हिसाब से डिजाइन करो, और जब 20,000 लोग आए या फिर 200 लोग आए तो उसके हिसाब से डिजाइन करो। तो ये होता है आई। तो आई जो है वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इंपॉर्टेंस बिल्डिंग और जनरल बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और जनरल बिल्डिंग्स। तो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होता है ये क्या होता है भाई? तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होता है आपका दैट इज हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स, ओके, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, और इसके बाद आपका ऑडिटोरियम्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। क्या है ये सब? ये सब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। चलिए बहुत अच्छा, समझे तो आ गया हमको। फिर जनरल बिल्डिंग क्या है? रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस क्या होता है? जनरल बिल्डिंग्स होता है। बाद में हुआ क्या कि अब सपोज कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, क्या हूं मैं? पॉलिटिशियन हूं, मैं एक नेता हूं, ठीक है, ऑफकोर्स मेरा भी बिल्डिंग तो जनरल बिल्डिंग रहेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही रहेगा, लेकिन मेरे घर पे डेली 300 400 लोग 500 लोग आ रहे हैं, मेरे घर पे डेली 300 400 500 लोग आ रहे हैं, फिर भी मैं अगर उस बिल्डिंग को जनरल बिल्डिंग बोलूं तो गलत होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 400 लोग किसके घर में आते हैं, करेक्ट। तो आईएस कोड ने 2016 में थोड़ा सा अपडेट किया, थोड़ा चेंज किया। आप देखो मैं कितना गहराई से आपको बता रहा हूँ, इतनी गहराई से इसको समझना। तो आईएस कोड ने बोला कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 200 या उससे अधिक लोग आने लगेंगे, 200 या उससे अधिक लोग आने लगेंगे, तब उसका फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जनरल बिल्डिंग पर फैक्टर रहेगा आपका 1, ठीक है, और आपका जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग रहेगा उस पर जो फैक्टर रहेगा रहेगा 1.5, और अगर आपका बिल्डिंग ऐसा है कि जिसमें 200 से अधिक लोग डेली आ रहे हैं तो उसका फैक्टर होगा 1.2, क्लियर, 1.5। चलिए जी, तो याद रखना ये होता है आपका आई। ये आर क्या होता है सर? बड़े कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर देख सकते हो आर क्या है, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द परसीव्ड सेस्मिक डैमेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय डक्टाइल और ब्रिटल डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसको आसान भाषा में बता देता हूँ। तो आसान भाषा में आर क्या होता है, बिल्डिंग 2 तरह से होती है, बिल्डिंग जो फ्रेम होते हैं 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं? एक होता है आपका ओ एम आर एफ, ओ एम आर एफ मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, और एक होता है आपका एस एम आर एफ मतलब स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम। एक क्या होता है ओ एम आर एफ, ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, और एक क्या होता है एस एम आर एफ स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? जहां पर M25, जहां पर M25
या उससे हायर ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो, जहां पर M25 या उससे हायर ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो भाई साहब, वो है SMRF, मतलब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अरे वाह क्या बात है, पता चल गया हमें तो। फिर ये OMRF क्या होता है, जहां पर M25 के नीचे का ग्रेड यूज करोगे, मतलब आप यूज कर रहे हो M20 या फिर M15, वो क्या है, वो OMRF है, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। तो जहां पर OMRF रहेगा वहां पर R का फैक्टर रखेंगे 3, और जहां पर SMRF रहेगा वहां पर R का फैक्टर रखेंगे कितना, 5। जहां पर M25 के नीचे का ग्रेड यूज कर रहे हो वहां पर रखेंगे 3, और जहां M25 के ऊपर या M25 का यूज कर रहे हो तो वहां पर रखेंगे क्या, तो वहां पर रखेंगे हम लोग 5। चलिए अब ये SA/G क्या होता है यार, सब कुछ तो समझ आ गया, जेड अच्छे समझ आ गया, जोन आई क्या हो गया इंपॉर्टेंस फैक्टर, आर क्या हो गया रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, टू फॉर्मूले में है। SA/G क्या है, तो यहां देख सकते हो एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट, एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि है क्या उसका रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट, मतलब वो एक्सेलरेशन पे बेस है, क्या एक्सेलरेशन आएगा उसके हिसाब से वैल्यू होगी। किसी भी चीज का एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे डिपेंड करता है, मतलब उसके सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके पावर के अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, वैसे ही सॉइल का जो एक्सेलरेशन है वो सॉइल के हिसाब से हो सकता है। अगर सॉइल आपकी हार्ड है तो उसका एक्सेलरेशन उसके अकॉर्डिंग होगा उस बिल्डिंग का, और अगर आपका सॉइल जो है, अब सीधे सोचो कि अगर आपको अपने पेन को फिर से लिया, ठीक है, पेन को बहुत परेशान कर रहा हूं मैं, तो अगर पेन को फिर से लिया और पेन को गीली मिट्टी में अगर किया, गीली मिट्टी उसको गाड़ दिया, ठीक है, गीली मिट्टी में जमा दिया, उसको जब धक्का दोगे आराम से पुश हो जाएगा, राइट, तो उसका एक्सेलरेशन गीली मिट्टी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, मतलब सॉफ्ट सॉइल आपका हो गया। अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो होगा हार्ड मिट्टी है, ठीक है, हार्ड मिट्टी एकदम से उसके अंदर बढ़िया सब कर जाम कर दिया, उसका एक्सेलरेशन उसके हिसाब से होगा। अगर आपका बिल्डिंग मतलब कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से होगा, उस हिसाब से SA/G डिपेंड करता है। चलिए भैया इनका क्वेश्चन एक आया है कि सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क्स ऑन द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ द बिल्डिंग, देन व्हाई स्ट्रक्चर इंजीनियर इज पेड वेरी लो एज कंपेयर टू एन आर्किटेक्ट। ओके डिपेंड गाजी, इट्स नॉट लाइक कि इंजीनियर गोइंग टू गेट लेस लेस पैकेज, नो। स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम जो होता है वो ज्यादा टाइम टेकन नहीं होता है कंपेयर टू आर्किटेक्चर। आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, उसमें तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। उनको सेंट्रल लाइन प्लान बन के आएगा, उनको प्लान बन के मिलेगा, उनको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके डाटा पे काम करना होता है, डाटा सही आ जाए उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है स्टील को, तो उनका जो काम है कम हेक्टिक है, ठीक है, कब तक, जब तक छोटी बिल्डिंग है, ठीक है, जब तक छोटी बिल्डिंग है, मतलब आपका G+5, G+6, G+7 तक के। लेकिन जैसे ही आप G+10, G+15 की बात करते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना वो स्टील को ऑप्टिमाइज करेंगे उसके हिसाब से चार्जेस लेते हैं। आर्किटेक्ट का क्या रहता है कि छोटी बिल्डिंगों के लिए बहुत ही उनका ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ तो जो मेरा काम है, मैं आर्किटेक्ट का जो काम करता हूँ उसके लिए मैं 5 रुपीज स्क्वायर फीट चार्ज करता हूँ, और जो कि जो मैं स्ट्रक्चर का सॉरी आर्किटेक्ट का जो मैं काम करता हूँ 6 रुपए स्क्वायर फीट करता हूँ, और स्ट्रक्चर का जो काम करता हूँ वो 5 रुपए स्क्वायर फीट करता हूँ, तो डिफरेंस 1 ही रुपए स्क्वायर फीट का है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। तो क्या बोलते हैं, सबके अपना अपना अलग अलग है, जो जिस हिसाब से उनका काम रहता है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट रहता है उस हिसाब से करते हैं। आर्किटेक्ट का छोटे बिल्डिंग में बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है उनको, ऐसा डिजाइन करूं, ऐसा डिजाइन करूं, ऐसा डिजाइन करूं, क्यों, क्लाइंट को पसंद नहीं आता है, आप 10 डिजाइन करके दोगे तब जाके क्लाइंट को एक डिजाइन पसंद आती है। स्ट्रक्चर में क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्लाइंट को पता ही नहीं है सही क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप ही सही हो, ठीक है, तो आप जो करके दोगे वही परफेक्ट होगा। इसलिए स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम छोटे बिल्डिंग्स में कुछ खास नहीं रहता है। अभी हम लोग G+5 तक के स्ट्रक्चर को तो बिना डिजाइन के भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों, पता चल चुका है कि क्या एग्जैक्टली क्या कितना लगने वाला है, तो थंब रूल हमें पता रहता है। चलो आगे चलते हैं जी, उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। जेड क्या है, जोन फैक्टर्स, आई क्या है इंपॉर्टेंस फैक्टर, आर क्या है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर,
ऐसे भाई जी क्या है, एवरेज रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन कोफिशियंट जो बताया आपको मैंने, टी क्या है, अनडैम्प्ड नेचुरल पीरियड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा, आगे दिखाऊंगा कहां सॉफ्टवेयर में कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए जी, जो मैंने आपको अभी नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ाया वही चीज यहाँ पर थ्योरेटिकल बेसिस है। इट इज द जोन क्या है, इट इज द इंडिकेटर ऑफ मैक्सिमम सेस्मिक रिस्क कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम कंसिडरेशन अर्थक्वेक एमसीई इन द जोन इन विच द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। जोन के अकॉर्डिंग आपका रिस्क बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा जो पीछे नेपाल में अर्थक्वेक आया था, क्यों आया था, क्योंकि नेपाल जोन 5 में होता है। नेपाल जोन 5 में है। देखो अपने यहाँ पे दो तीन लोग अपने नेपाल से भी ऑलरेडी क्लास में है, तो वहां पर देखा होगा आपने क्या बोलते हैं, उन एरियाज में ज्यादा आपको अर्थक्वेक का झेलना पड़ा था जहाँ पे जोन 5, ठीक है, और नेपाल का तो मैक्सिमम एरिया पूरा का पूरा जोन 5 है। इंडिया में भी इफेक्ट आया था, ऐसा नहीं कि उसके बाद इंडिया में इफेक्ट नहीं आया, बट इंडिया में जो इफेक्ट आया वो लेस इफेक्ट आया, ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू IS 1893 सेस्मिक जोन आर क्लासिफाइड इन टू जोन 3, सॉरी 2, 3, 4, 5। पहले जोन 1 भी था, अभी जोन 1 को मर्ज कर दिया गया है जोन 2 में, सो कंफ्यूज मत होना, जोन 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। ऐसे भाई जी क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रॉक, सॉइल साइट्स एंड ऑल्सो नेचुरल पीरियड एंड डैम्पिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड करता है मेनली सॉइल कंडीशन पे। इट इज ऑप्टेन फ्रॉम, इस क्लॉज से लिया गया है, आप जाके यहाँ पे थोड़ा सा पूर्णतः अध्ययन कर सकते हो मेरे भाई। चलो, जो मैंने आर को शॉर्टकट में आपको एग्जाम्पल में बताया वही आर यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है टेबल नंबर 7 में। ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का फैक्टर कितना रहेगा, 3। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का कितना रहेगा, 5। ऐसे ही स्टील का भी अलग अलग यहाँ पे फैक्टर है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है वो आप फैक्टर यहाँ पे आर का डाल दोगे। तो यह इंपॉर्टेंस फैक्टर आपको मैंने बताया अभी क्या होता है। इंपॉर्टेंस फैक्टर दो टाइप के हैं, जिसमें से एक है जनरल बिल्डिंग, एक है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ठीक है। साइट क्लास जो होता है वो अभी आपको दिखाता हूँ स्टेट फोर में क्या होता है। साइट क्लास इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल किस तरह के है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है साइट क्लास, ठीक है। साइट ए, साइट बी, साइट सी, मतलब साइट 1, 2, 3 ऐसा डिफाइन करते हैं। इसके पास रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है जो कि आपको मैंने बताया पूरा टेबल वही है। इसके बाद होता है आपका फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर टी इक्वल टू 0.09 बाई अंडर रूट डी, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट, वैसे तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करने वाला है आपका टी ए, बट आपको फॉर्मूला आता रहेगा तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। और ओवरऑल अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइन फोर्सेस क्यू आई का अगर फॉर्मूला लगाओ तो ये फॉर्मूला होता है, जिसमें सम ऑफ ये और इतना डिवाइड बाई सम बाई सम ऑफ दिस, तो यहाँ से कैलकुलेट करके डिजाइन लेटरल फोर्स एट फ्लो आई, इस फ्लोर पे कितना आपका फोर्स आएगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, मजा आया होगा आपको, काफी कुछ पता चला होगा आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या सेस्मिक में होता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देखो क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो कि फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। स्टेट प्रो में कर रखा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि आई क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन क्या है, तो कैलकुलेटर चलाने से कुछ थोड़ी होगा। चलिए, अब चलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर में देखने के लिए।